हम लोग चाहते हैं उससे पहले से ज़्यादा सीट की मांग कर रहे हैं। आपस में अभी बातचीत चल रही है, कोई अभी सीटों का तय नहीं हुआ है मामला। लालू जी तेजस्वी जी कुछ बोलें तो उस पर हम लोग बोल सकते हैं। सिलेक्शन कमेटी विचार करती है कैंडिडेचर पर, सीटों पर, उसके लिए ये मीटिंग हो रही है। उसके सभी जो माननीय सदस्य हैं सब लोग के बीच में डिस्कशन होगा, चुनाव का स्ट्रेटजी तय होगा, इसी के लिए मीटिंग होती है। कब तक सर सीटों का अनाउंसमेंट हो पाएगा? हो जाएगा, अब जल्दी हो जाएगा। अभी तो कौन, उधर एनडीए का भी तो सीट बंटवारा नहीं हुआ है, हम लोग का भी प्रोसेस में है, जल्दी से जल्दी। बयान दे रहे हैं कि 28 सीट पर राजद करेगी, कांग्रेस को 9 सीट दिया जाएगा, भाजपा लेफ्ट को 3 सीट दिया जाएगा। उनका बयान आधिकारिक तौर पे मीडिया के सामने पेश कर रहे हैं। मतलब अगर लालू जी तेजस्वी जी कुछ बोलें तो उस पर हम लोग बोल सकते हैं, बाकी अब कौन क्या बोल रहा है उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ मैं। आपस में अभी बातचीत चल रही है, कोई अभी सीटों का तय नहीं हुआ है मामला, तो कैसे बोलें अभी, इसका निश्चित उत्तर आपको 2-3 दिन के अंदर मिलेगा। कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी? पिछली बार 10 सीट हम लोग लड़े थे, उस समय गठबंधन कुछ और था, आज गठबंधन की परिस्थिति बदली है, तो हम लोग चाहते हैं उसे पहले से ज़्यादा सीट की मांग कर रहे हैं, जितना तय होगा। लेकिन कांग्रेस फ्लेक्सिबल है, कभी ये नहीं, हम लोग चाहते हैं कि गठबंधन में कोई दरार हो, एक साथ चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी को हराने के लिए लड़ेंगे, और हम लोग अपना फैसला देखेंगे, कहीं अगर हम लोगों से ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट है तो एक आध सीट हम लोग इधर उधर कर लेंगे, कोई ये नहीं है, फ्लेक्सिबल है। आज इलेक्शन कमेटी की जो बैठक हो रही है, उसका मुख्य मकसद क्या है? मुख्य मकसद है जो इलेक्शन की तैयारी हुई है, भिन्न भिन्न सीटों पर अलग तैयारी किया है, वाम दल अलग तैयारी किया है, लेकिन जहां जो सिंबल मिलेगा जिस कैंडिडेट को, सब में सब लोग एक दूसरे की मदद करेगी, यही तो, इसीलिए तो अलायंस होता है। थैंक यू। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।